हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। और एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल सीएसके से रिलेटेड ही है, क्योंकि कल हम सबको पता चली गया है कि सीएसके में अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो सीएसके की कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है और कहीं ना कहीं ये कप्तानी अब रविंद्र जडेजा को सौंप दी गई है। और देखिए, इसी को लेकर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि देखिए, काफी लंबे समय से एमएस धोनी कहीं ना कहीं कप्तानी छोड़ना चाह रहे थे और सिर्फ इंतजार कर रहे थे सही समय का, और सही समय कल आया और उन्होंने कप्तानी छोड़ के रविंद्र जडेजा को सौंप दी है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर नए कप्तान रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बातें कही, अपनी कप्तानी को लेकर बातें की और क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कैप्टनसी की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे साथ महेंद्र सिंह धोनी है और मेरे मन में पहले भी अगर कोई सवाल होता था तो सीधे मैं उनके पास जाता था, और अगर कप्तान बनने के बाद भी मेरे मन में कोई सवाल रहेगा तो भी मैं महेंद्र सिंह धोनी के पास ही जाऊंगा। और उन्होंने यही एंड में कहा कि देखिए, मुझे कैप्टनसी की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं सीएसके की टीम से महेंद्र सिंह धोनी जुड़े हुए हैं और अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मुझे ये जरूर पता है कि मेरे साथ महेंद्र सिंह धोनी खड़े हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो ये सब उन्होंने बोला, कप्तानी को लेकर भी बोला कि कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है इस कप्तानी से और आने वाला जो समय है पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को साबित करने की। तो ये सब बातें उन्होंने कही। आगे बढ़े दोस्तों, तो सीएसके की ही मैं अगर बात करूं तो एक अपडेट मोहिन अली को लेकर आई है, क्योंकि लगातार अगर मोहिन अली की बात करें तो अभी तक क्लियर नहीं था कि वो टीम में कब तक शामिल होंगे क्योंकि उनका वीजा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अपडेट अब यही है कि पूरी तरह से उनका वीजा क्लियर हो चुका है, वो इंडिया में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी बात करूं तो मुंबई कल रात में वो पहुंच गए थे और 3 दिन के क्वारंटीन पीरियड में वो रहना होगा, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनके नियम का पालन करना होगा और उसके बाद वो टीम के साथ जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर है ये सीएसके के लिए कि मोइन अली टीम से जुड़ चुके हैं। वही दोस्तों, अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं, देखिए स्विस ओपन की लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और मैं अगर पीवी सिंधु की बात करूं तो पीवी सिंधु से एक अच्छी खबर यह है कि पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जी हां, उनका मुकाबला डेनमार्क की खिलाड़ी के साथ था जिनका नाम लाइन होसमाथ था, जिनको हराया है पीवी सिंधु ने और प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अगर वही दूसरी नजर अगर साइना नेहवाल पे डाले, देखिए मैंने आपको बताया था साइना नेहवाल की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में काफी अच्छा उन्होंने मुकाबला खेला और जीती भी कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में जिस तरह से उनका जज्बा था, वो दूसरा राउंड था जो विमेन सिंगल का दूसरा राउंड था उसमें वो नजर नहीं आया और कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और देखिए, अगर मैं साइना नेहवाल के विमेन सिंगल्स की मैं बात करूं, जो दूसरे राउंड में उनका किसके साथ मुकाबला हुआ था, उनका मुकाबला हुआ था मलेशिया की खिलाड़ी किसोना सेल्वा दुरे के बीच में, जिससे वो हार गई है और स्विस ओपन से बाहर हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइना नेहवाल के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर वही पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत की बात करें तो अभी भी स्विस ओपन में वो अपनी जगह पे बने हुए हैं और देखना होगा कि कितना कैसा मैच खेलते हैं और कहां तक स्विस ओपन में जाते हैं दोनों खिलाड़ी। आगे बढ़े दोस्तों, बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, क्योंकि लगातार देखिए वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेटर्स के मैच लगातार किए जा रहे हैं और एक अच्छी खबर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब उम्मीदें इंडिया से हैं कि इंडिया कब तक इस मुकाम पे पहुंचेगी और इंडिया किस तरह से पारी खेलती है इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। आगे बढ़े दोस्तों, बात करेंगे टेनिस के बारे में और खासकर अगर मैं बात करूं नायोमी ओसाका की। जी हाँ, नायोमी ओसाका की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने 50वीं जीत उनकी हो गई है क्योंकि मियामी मास्टर के दूसरे राउंड में वो पहुंच गई है और कहीं ना कहीं उम्मीद अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है उनसे, क्योंकि स्टार प्लेयर लेजेंड खिलाड़ी रही है और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरह का वो गेम खेलती हैं आगे और क्या जीत हासिल करती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की बड़ी खबरें और मैं आपको बता दूं आज पूरे दिन हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, आईपीएल से रिलेटेड चर्चा करेंगे, टीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपके कोई भी सवाल है हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल स्पोर्ट्स फ्लैशेस।